हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम तनु सर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 12th, टॉपिक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। वी सी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टुडे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन डैश। इंग्लिश लैंग्वेज जो है किससे यंगर है, लैटिन से, ग्रीक से, पर्शियन से, या इन सभी से, ऑल से। तो हम लोग स्टोरी जो भी छात्र पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है लैटिन से, ग्रीक से, पर्शियन से, संस्कृत, यानी कि इन सभी भाषाओं से यंगर है, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द एंग्लो सेक्सन इन्वाइटेड इंग्लैंड इन द डैश, कि जो एंग्लो सेक्सन थे उन्होंने इंग्लैंड पर कब इन्वाइटेड किया था, यानी कि उन्होंने इंग्लैंड पर कब आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर डी था। और सेकंड क्वेश्चन है, द एंग्लो सेक्सन इन्वाइटेड इंग्लैंड इन द डैश, यानी कि एंग्लो सेक्सन जो इंग्लैंड पर कब इन्वाइटेड किया था, आक्रमण किया था, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, या नॉन ऑफ दी। तो हम लोग को पता है कि एंग्लो सेक्सन जो थे 5th सेंचुरी में इन्वाइटेड किए थे इंग्लैंड पर, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्सन, यानी कि किन किन को मिलाकर एंग्लो सेक्सन कहा जाता है, किन को। तो ये किन को, तो एंगल्स, सेक्सन, जूट्स, तीनों को मिलाकर एंग्लो सेक्सन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही, यानी कि ऑल। क्वेश्चन नंबर चार, डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, कह रहा है कि कौन थे जो देश का नाम इंग्लैंड और भाषा का नाम इंग्लिश दिए। इंडियंस थे कि एंग्लो सेक्सन थे कि रोमन्स थे कि नॉन ऑफ दिस थे। हम लोग को पता है कि एंग्लो सेक्सन ने ही क्या किया था, इंग्लैंड देश का नाम दिया था और लैंग्वेज के, यानी राइट ऑप्शन बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, ओल्ड इंग्लिश कवर्स, यानी कि इंग्लिश की पीरियड को तीन खंडों में बांटा गया है, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो पूछा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स डैश, यानी ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक कहा जाता है। तो एडी 449 से एडी 1066 के पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। तो फिर सेकेंड को क्या कहते हैं, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि मिडिल इंग्लिश कवर्स, यानी कि ओल्ड इंग्लिश को आप देखें 449 टू 1066। अब कहा गया 6th नंबर क्वेश्चन कि मिडिल इंग्लिश कवर्स क्या करता है, किस सन को करता है, कब से कब तक। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये तो ओल्ड इंग्लिश है। सेकेंड ऑप्शन है 1066 टू 1099, ये भी ऑप्शन गलत है, हम लोग कहानी पढ़े हैं। 1100 टू 1149 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है 1150 टू 15, तो यही राइट सही है कि 1150 से लेकर 1500 के पीरियड को हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही था। इंग्लिश यूज सिंस 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड, यानी कि जो इंग्लिश 1500 से शुरू हुई और अभी तक चल रही है उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न, नॉन ऑफ दी। तो ओल्ड तो हम लोग को पता ही है 449 से लेकर 1066, मिडिल भी पता चल गया 1150 से लेकर 1555, तो फिर मॉडर्न किसको बोलते हैं, तो इससे आगे वाले की, तो इसको हम बोलेंगे 1500 से जो शुरू हुआ उसको मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि अंग्रेजी की जो हिस्ट्री है कितनी पुरानी हो चुकी है। तो हम लोग को पता है कि 5th सेंचुरी से शुरू हुई है, यानी कि 5th सेंचुरी यानी 500 ईस्वी, अभी चल रहा है 2000, यानी कि लगभग 1500 ईस्वी से हमारी जो अंग्रेजी पुरानी है, यानी कि हमारा अंग्रेजी का इतिहास जो है लगभग 1500 वर्ष पुराना, यानी कि 1500 राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, द इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड डैश, कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था।
तो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो हुआ था 1466 यानी 1476 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस थे, यानी कि ओल्ड इंग्लिश को कौन से टू मेजर्स थे जो इन्फ्लुएंस किए थे, प्रभावित किए थे। यानी कि हमको पता है कि 449 से लेकर 1066 जो है ये ओल्ड इंग्लिश है, और मिडिल इंग्लिश 1150, तो बीच का जो समय है ना ये किसी दूसरी भाषाओं से इन्फ्लुएंस हुआ था यानी कि प्रभावित हुआ था। तो ये कौन सी भाषा थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लैटिन और स्कैंडिनेवियन। मुझे उम्मीद है, आई होप यू ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।